सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले चेस्ट का 5-6 ऐसा वर्कआउट जिससे आप अपना चेस्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो मैं भी अपने ऊपर उसको अप्लाई करता हूँ। तो अभी चलो चलते हैं एंड दिखाते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो अभी चलते हैं दिखाते हैं। सो गाइस पहला जो वर्कआउट है वो है फ्लैट डंबल प्रेस, ठीक है। तो अभी करके दिखा देता हूँ कैसे मारना है। अपने हिसाब से वेट ले लेना, स्लो पर अच्छे से डंबल पकड़ लेना, थोड़ा सा हेल्प, एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ये बेंड, ये पुश पुश स्लो स्लोली डाउन, पुश प्रेशर देना चेस्ट में, ये पुश, ठीक है। तो प्रेशर पड़ना चाहिए इसमें चेस्ट में, ठीक है, कि आपको फील हो, चेस्ट फील होना चाहिए कि आप जब प्रेस कर रहे हो तो स्क्वीज करना है यहाँ पे कि आपको चेस्ट में फील हो। सो ये था पहला वर्कआउट, अब चलो दिखाते हैं सेकेंड वर्कआउट। सो गाइस सेकेंड वर्कआउट है इंक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है, डंबल प्रेस रहेगा ये इतना, देख लो 1, 2, 3 नंबर पे लगाना, हमेशा 3 नंबर पे, ठीक है। अगर चाहो तो आप इसको उठा भी सकते हो, आपको इसमें स्टेबल मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए इसका, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसका, ठीक है। हमेशा अपने हिसाब से वेट, और ये रहा, ये आप पुश स्लोली डाउन, पुश स्लोली डाउन, और ये पुश, ठीक है, ये स्लोली डाउन और ये पुश। नंबर को ऐसे मत रखना बहुत, और ज़्यादा ऐसे भी नहीं, बस ये थोड़ा सा कब रहना चाहिए, ये पुश, ठीक है। ये था सेकंड वर्कआउट, अब करेंगे थर्ड वर्कआउट, इसी में करना है, इसी में, इसमें अभी हम लोग करना है इंक्लाइन फ्लाइंग करना है, ठीक है। तो थर्ड वर्कआउट भी दिखा देता हूँ, इंक्लाइन फ्लाइंग करना है, वो कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं डंबल ले लिया अपने हिसाब से, अब इंक्लाइन फ्लाइंग मारूंगा, ठीक है, ये देख लो, ये स्लो स्क्वीज, यहाँ पे लाके होल्ड करना, थोड़ा सा यहाँ पे लाके होल्ड प्रेस, ज्यादा नीचे भी नहीं, एकदम नीचे भी नहीं गिराना इसे करके, बस जहां तक मसल स्ट्रेच हो जाए वहां तक आइए, देखो ये कर्व करके थोड़ा डाउन, और ये पुश, ठीक है। तो ये था इसका फॉर्म। अब हम दिखाएंगे फोर्थ वर्कआउट जो कि है डिक्लाइन फ्लाइंग, ये भी फ्लाइंग है बस वो डिक्लाइन है। तो अभी बेंच में दिखा देता हूँ करके, सेटिंग करना पड़ेगा, इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 3 प्लेट लगा लिया हूँ, ठीक है, बिकॉज ये डाउन हो जाए, इसमें ऐसे डाउन कर सकते, बस उसमें मेरे को समझ में नहीं आता, उसको बेंच को थोड़ा उठा लें, 3 प्लेट या 2 प्लेट अपने हिसाब से डाउन कर लें, देख लो अभी कैसे मारता हूँ मैं। अब एकदम 7.5, 7.5 काम सीखिए, ये हो गया डिक्लाइन, अब इसको फ्लाइंग करना है, स्लो पुश, हल्का हल्का के स्ट्रेच करना है मसल को, और यहाँ पे होल्ड प्रेस पड़ना चाहिए आपको चेस्ट में, ये अच्छी कंट्रोल बना के एकदम। सो गाइस ये हो गया वर्कआउट, सो गाइस ये हो चुका है फोर्थ वर्कआउट डन, अब करेंगे फिफ्थ वर्कआउट। तो अभी जो भी वर्कआउट करोगे अपने हिसाब से अच्छे से हल्का हल्का, और मसल माइंड कनेक्शन हमेशा रखना, बिकॉज मसल माइंड कनेक्शन नहीं हो तो फिर मतलब ही नहीं बनता वर्कआउट करने, ठीक है। और अच्छे से स्ट्रेच करना मसल को, जो भी मसल ट्रेन करो उसमें उसमें फील होना चाहिए कि आप कर रहे हो। तो अभी चलो 5 वर्कआउट दिखाता हूँ आपको। तो भाई इसको अभी लगा लेना है, ये लोअर चेस्ट के लिए मारेंगे हम लोग, तो इसको 3 नंबर में लगाना है, 2 नंबर में लगाना है इसको, ठीक है, 2 नंबर में लगा के दिखा लेता हूँ कैसे मारना है। वेट अपने हिसाब से लेना, अभी मैं दिखाने के लिए कम वेट ले लेता हूँ, ठीक है, ये पूरा डाउन हो जाना आप नीचे, कमर को अच्छे से स्टेबल रखना निकाल के, स्लो पुश स्लो, ये पुश स्लो, और ये पुश स्लो, स्ट्रेच होना चाहिए मसल, पुश और ये पुश। तो ये था फिफ्थ वर्कआउट, अब थोड़ा दिखाते लास्ट वर्कआउट। सो गाइस लास्ट वर्कआउट में हम लोग करेंगे बाहर, देख लो कैसे मार रहे हैं, ठीक है,
इसको भी अच्छे से मानना है कि फुल स्ट्रेच हो ये मसल, ठीक है दोनों। ये स्लो सारे स्पीड में नहीं, स्लो स्लो। ये तो ये था लास्ट वर्कआउट, तो अब कंप्लीट हो गया वर्कआउट। सो गाइस मैंने आपको वर्कआउट बता दिया, देख सकते हो आप 5-6 वर्कआउट जो मैं बताया मैं खुद के ऊपर ही अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो किसी के चोरी में मत पड़ो, कोई क्या करता नहीं करता, मैं खुद जो अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ वही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। मैं किसी को देख के बता रहा हूँ, आप मेरा चेस्ट का रिजल्ट देख सकते हो, आप दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपकी चॉइस आपको करना है नहीं करना है। ये देखो सामने जो है, जो मैं वर्कआउट करता हूँ बस वही बता रहा हूँ। तो यही है मैं जो वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, और बाकी आपका चॉइस, अगर नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, बट मैं सही बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करूँ। तो इस वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।